हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा जी टेक्निकल में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको LNB के अंदर का दिखाएंगे कि आखिर दोस्तों इस हमारा LNB के अंदर क्या होता है। तो देख सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल आता है दोस्तों, एंटीना यानी दोस्तों वायर लगता है यहीं पर। तो इसको दोस्तों हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हमारा लॉक लगा है, तो आप दोस्तों पिचकस की सहायता से आप दोस्तों निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम पिचकस लेते हैं और इसको दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लॉक लगा रहता है, आप दोस्तों आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जिसे हम निकाल दिए हैं। तो दोस्तों यह हम निकाल चुके हैं इसका लॉक, और यहाँ पर दोस्तों लगा है एक हमारा कैप। तो दोस्तों शायद कैप दोस्तों नहीं निकल रहा है, तो कैप को दोस्तों हम क्या करेंगे कि देखते हैं, कोशिश करते हैं दोस्तों कि हमारा निकलता है कि नहीं। तो दोस्तों इसको हम तोड़ देते हैं। दोस्तों यह हमारा जंग खा गया है, इसलिए दोस्तों नहीं निकल रहा है। कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि निकल जाए, लेकिन दोस्तों यह नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं लगातार इसको दोस्तों निकालने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें हम होल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम होल कर दिए, फिर भी यह दोस्तों नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह हमारा निकल चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा फोकस करके दिखाते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इसको खोलने का कोशिश किए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टूट गया, लेकिन यह खुला नहीं। इसका स्क्रू भी दोस्तों यहाँ पर ख़राब हो गया। इसी टाइप का दोस्तों हम एक और आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको हम पहले से एक खोल कर रखे हैं, और दोस्तों आपको इसका प्लेट दिखाते हैं कि इसमें आखिर रहता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर हमारा दोस्तों एक क्या रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो वायर है, और इसको दोस्तों हम खोलते हैं कि आखिर दोस्तों इसके अंदर हमारा क्या रहता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हमारा एक प्लेट लगा है। आपको दोस्तों फोकस करके दिखाते हैं थोड़ा कैमरा का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी छोटे छोटे SMD लगे हैं, और यहाँ पर एक IC और यहाँ पर एक IC दोस्तों। तो यही दोस्तों हमारा प्लेट में लगा है। अक्सर दोस्तों LNB हमारा जंक लगने से या दोस्तों इसमें पानी जाने से हमारा यह प्लेट शॉर्ट हो जाता है। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही वाटर प्रूफ किया है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ग्लू लगा है, और दोस्तों जो ग्लू लगा है इसलिए लगा है कि हमारा जो वाटर है दोस्तों, यानी कि पानी अंदर न जा सके। अक्सर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कैप लगा था, यहाँ से भी पानी जाने का संभावना बना रहता है। अगर दोस्तों यहाँ से पानी अगर अंदर तक चला जाए, तो जो हमारा दोस्तों प्लेट है एक ख़राब हो जाएगा, और दोस्तों जो पानी है यहाँ से भी हमारा जा सकता है। तो दोस्तों LNB हमारा, अगर आपका नो सिग्नल बिग सिग्नल आ रहा है दोस्तों, या दोस्तों आपका जो सिग्नल है वो 0-0 है, तो आप दोस्तों इस IC का फॉल्ट समझ सकते हैं कि दोस्तों यह हमारा IC ख़राब है। अगर दोस्तों दोनों हमारा 0-0 आता है सिग्नल, तो यह IC हमारा ख़राब हो सकता है। जैसे दोस्तों हम आपको वीडियो बोर्ड में दिखाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वीडियो बोर्ड होता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा IC लगा है। अगर दोस्तों हमारा नो सिग्नल आ रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा 0-0 बता रहा है, तो इसी IC का दोस्तों अक्सर हमारा क्या होता है कि फॉल्ट होता है दोस्तों, ये वाला IC आप देख सकते हैं। तो सेम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों IC सेम है, और दोस्तों अगर आप इसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर यह क्या होता है, कोई दोस्तों इसको चेंज नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे हमारे SMD जो लगे हैं, ये भी हमारे पानी जाने से दोस्तों ख़राब हो जाता है। और दोस्तों जो ये हमारा IC है दोस्तों, ये छोटा वाला IC दोस्तों, यह दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो LNB होता है वो 100-150 में तो आराम से मिल ही जाता है, इसलिए दोस्तों कस्टमर क्या होते हैं कि नया ही LNB लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। आप दोस्तों जब भी दोस्तों अगर LNB आपका ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों आप नया ही लगा लें। तो दोस्तों यही थी आज की छोटी वीडियो कि आखिर दोस्तों हमारी LNB के अंदर आखिर क्या रहता है। तो शायद दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे जो LNB में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा प्लेट लगा है, और छोटे छोटे दोस्तों SMD, और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा IC लगा है।
और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सिग्नल बन के आता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा यहाँ पर दोस्तों कनेक्टर लगता है, यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा इसमें कनेक्ट होता है वायर के थ्रू। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा कनेक्ट होता है सिग्नल वाला। तो यही दोस्तों आज का वीडियो था छोटा सा। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें दोस्तों, खुश रहें।